तो एक बसड़ हो गई। आईफोन का मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। What's up you beautiful people, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आज है जुमा, सभी को जुमा मुबारक। मैं नमाज पढ़ के आया। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जो है कटिंग कर ली है। जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि जिसके पास मैं कटिंग करता हूँ वो गया है घर, और उसका भाई वहाँ था। बट जब मैं फिर से गया वहाँ, वो आया नहीं था। उसका जो भाई है, मैंने फिर उसी को बोला चल भाई तू ही कर ले, उसका कोई भरोसा नहीं वो आएगा ना आएगा। परसों था 12th क्लास का रिज़ल्ट, जिसमें मैं पास हो गया। बट जो पास नहीं हो पाए उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी ज़रूर देगा। और ऐसा नहीं कि इंसान हिम्मत हार जाए, नहीं भाई, हर मुश्किलात का सामना करते रहो। फिलहाल मेरा दोस्त आया हुआ है जो कि है नीचे, जो कुक मेरा है उसका बेटा है, वो पटन में रहता है, वो है नीचे। उसका एक फ़ोन है सैमसंग J2, मुझे पता है कि बहुत पुराना है बट स्टिल ही इज़ यूजिंग। तो वो ख़राब हो चुका है, चलाते चलाते कह रहा है कि बंद हो गया, पहले तो जाना है सैमसंग सर्विस सेंटर। उसके बाद मेरा कज़न आने वाला है शाम को हंदवारा से। फ़िलहाल यहाँ सब सामान जो है बिखरा पड़ा है, यहाँ सारी जो है सफाई करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ सैमसंग सर्विस सेंटर की तरफ। अब जो है हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो फ़ोन है सैमसंग J2, मुझे पता है कि बहुत पुराना है बट स्टिल ही इज़ यूजिंग दिस फ़ोन। तो निकलते हैं पहले सर्विस सेंटर की तरफ। तो अभी जो है हम लाल चौक पहुँच गए, अब जाना है सीधा रैगल चौक की तरफ, क्योंकि सैमसंग का जो सर्विस सेंटर है वो है रैगल चौक में। सर्विस सेंटर, इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो एक बसड़ हो गई, यहाँ से जो है सर्विस सेंटर नहीं है, आगे कहीं से अभी पता नहीं। सच बता रहा हूँ गाइस, आईफोन का मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। हमें ये पता नहीं लग रहा कि सैमसंग सर्विस सेंटर कहाँ है। यहाँ आधे बोल रहे हैं मुनवार में, आधे बोल रहे हैं यहाँ है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। अरे यार क्या करें अब, फिलहाल और मालूम करते हैं। चल सच बता रहा हूँ, पूरी बैंड बच चुकी है, क्योंकि पोलो व्यू से वापस आना पड़ा। अब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ है कुछ इंफॉर्मेशन बिल्डिंग में, यहाँ भी देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ होगा बट देखते हैं, अगर होगा वो ठीक बात है, अगर नहीं फिर भाई हम वापस चलेंगे, ठीक है। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद किसी गुफा में रखा है सेंटर, फिलहाल निपटा के ये रहा सैमसंग लिखा है, मिलता हूँ बाद में। 2 hours later। सीरियसली गाइस, जो फ़ोन है पूरा क्या कहते हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया ही नहीं, इनको खुद भी जो है डिफ़िकल्टी के बारे में पता नहीं चला। जा रहे हैं फिलहाल वापस, क्योंकि फ़ोन तो ठीक हुआ नहीं, फ़ायदा नहीं है। अब समझ नहीं आता यार, अगर सर्विस सेंटर है फिर भी तो यार जो डिफ़िकल्टी फ़ोन में है वो तो बताना है। ये बता रहे कि ये ख़राब है वो ख़राब है, लेकिन ख़राब कौन सा पार्ट है इसका पता नहीं इन्हें। तो हम चल रहे हैं वापस, मेरा कज़न का भी फ़ोन आया, वो पहुंचा है पैरमपुरा मंडी तक। उसको मैंने बोला कि आजा जाएंगे चौक तक, वहीं मैं फिर मिलूंगा उसको। मैं कर रहा हूँ अपने कज़न का वेट, पता नहीं कब आएगा। हम जा रहे थे वापस बट यहाँ पे कुछ डिसाइड हो गया, भूख लगी है, कुछ खाएंगे पहले। सो वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स माय स्कूल। 1 hour later। मैं जा रहा हूँ अब बाजार की तरफ सब्जी लाने। खाना जो है मैंने
राइस कुकर में रख दिया तैयार होने के लिए। सो व्हाट्सअप यू ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सो टुडे इज 12th of February, टाइम आ चुका है 8:10। आज है मेरे कजन का एग्जाम सनत नगर में, उसके बाद वहाँ से आकर फिर जाऊँगा घर। तब तक मेरा दोस्त जो है यहीं वेट करेगा। अब मैं घर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर में एक ट्रेडिशन है कि जब कोई बच्चा पास हो जाता है तो उसके घर में उसके रिलेटिव आते हैं मुबारकबाद देने के लिए। इस वजह से मेरे घर तो मेरे रिलेटिव आ जाते हैं लेकिन मैं वहाँ हूँ नहीं। सो दैट मीन्स कि आज मैं घर जाऊँगा अपने कज़न के साथ, और दोस्त को भी आज घर जाना है तो एक साथ ही जाएंगे। दोस्त को जाना है पटन, मुझे जाना है हंदवारा, मुझे और मेरे कज़न को। फिलहाल फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ सनत नगर जहाँ मेरे कज़न का एग्ज़ाम है। जस्ट रीच्ड, बट मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई, इतने सुबह एग्जाम कौन रखता है? 9 बजे इनका एग्जाम है गेट का, इतनी ठंड में इतनी सुबह एग्जाम, भाई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा टाइम रखेगा। बट जो भी है, 12 बजे एग्जाम ख़त्म हो जाएगा, तब तक क्या करूँगा, मैं यहीं वेट करूँगा। अगर वापस जाऊँगा फिर वापस आना पड़ेगा, फिलहाल 12 बजे तक यहीं वेट करूँगा। सो गाइस, प्लान इज चेंज्ड, क्योंकि मैं 3 घंटे यहाँ तो नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ वापस। यार 3 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं रुकूँगा, फिर वापस आता हूँ 3 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे। मैं पहुँच चुका हूँ वापस, पहले पीऊँगा चाय, उसके बाद सब कुछ देखते हैं, फिर 12 बजे वहाँ जाता हूँ। सो गाइज, लगभग एक कब मैं आया था, 9, 10, 11, 2 घंटे हो गए, मैं जा रहा हूँ वापस उसको लाने के लिए। अब वो आने को तो खुद भी आ सकता है, बट उसके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में वो फ़ोन मेरे पास उसने रखा। तो तुझे बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ है, एक तो ब्लोअर है वो निकाल, वो निकाल के रखना, और यहाँ पे जो बिस्तर है इसको ऐसे ही रखना, इसको फ्रिज में रखना, ठीक है? चार्जर वार्जर अपना जो तुझे उठाना है वो उठा लेना, जब आएंगे हम फिर जाएंगे, ठीक है? सो गाइस, मैं निकल रहा हूँ उसको लाने के लिए। सो गाइस, वी आर बैक, अब बनाऊंगा चाय क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, उसके बाद तैयारी करते हैं घर जाने के लिए। सो गाइस, लगभग 2-3 घंटे हो गए, अब तैयारी कर रहे हैं घर जाने की। जैसे कि आप देख सकते हो, पूरे कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं किया। हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, मिलता हूँ बाद में। तो हम पहुँच चुके हैं जहांगीर चौक, यहाँ चल रहा है काम रोड का, जैसे कि आप देख सकते हो। कज़न को जो है थोड़ा सा काम पड़ गया करण नगर में, फिलहाल करण नगर में है अभी। बट मालू पहुँच गए, मैं जा रहा हूँ इसको गाड़ी में छोड़ने के लिए, जो मेरा कज़न है उसको मैंने भेजा पहले, वो सीट मेरे लिए लेके रखेगा, तब तक इसको जो है गाड़ी में डालता हूँ। तो दोस्त को मैंने गाड़ी में छोड़ा, उसको जाना है पटन। अब मैं देखता हूँ कि मेरा कज़न कहाँ है। जस्ट रीच्ड हंदवारा, आपसे मैं घर पहुंच के मिलता हूं। सो गाइस, प्लान में चेंज है, जो मेरा कजन है वो बोल रहा है आज मेरे घर आ जा रात के लिए। श्रीनगर में इससे इतनी सर्दी नहीं थी एज कम्पेयर टू श्रीनगर, नहीं वरना मैं बाहर नहीं निकला था शाम से। तो श्रीनगर में जितनी यहाँ सर्दी है उतनी सर्दी तो श्रीनगर में थी नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं हूँ आज रात के लिए नैनीहाल में, फिर कल सुबह जाऊँगा घर।